शरद पवार की पार्टी एनसीपी महाराष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, लेकिन शरद पवार की राजनीति इतना सरल नहीं होता। जानकार बताते हैं कि पवार साहब को जहां फायदा होता है वो वहां का रुख कर लेते हैं, लेकिन अपनी सहयोगी कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ देना, वो भी ऐसे समय में जब कांग्रेस को अपनों से धोखा मिल रहा है, ये संकेत कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई और अब शरद पवार भी साथ छोड़ने लगे। ऐसे में अगर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी कोई खेल हुआ तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि गुजरात में 26 मार्च को राज्यसभा के लिए चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले गुजरात में एकमात्र एनसीपी के विधायक ने बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। पोरबंदर जिले से कुटियाना से एनसीपी विधायक कंधाल जडेजा ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की। बीजेपी राज्य में 4 में से 3 सीटों पर कब्जा करना चाहती है। पहले ही गुजरात में कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब एनसीपी के एमएलए ने भी हाथ का साथ छोड़ दिया है। विधायक कंधाल जडेजा ने कहा कि मैंने गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा के साथ बैठक की, जिसके बाद मैंने राज्यसभा में भाजपा को समर्थन देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मैं निर्णय इसलिए लिया क्योंकि मुझे उम्मीद है कि गुजरात सरकार की मदद से मैं अपने क्षेत्र में कार्य पूरा कर पाऊंगा। बता दें कि गुजरात की 182 विधानसभा सीट में कांग्रेस के पास 73 सदस्य थे। 5 विधायकों के इस्तीफे के बाद संख्या 68 हो गई। कांग्रेस ने अपने विधायकों को जयपुर भेज दिया है ताकि उन्हें खरीद फरोख्त से बचाया जा सके। विधायक कंधाल जडेजा का बयान ऐसे वक्त में आया है जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह वघेला ने दावा किया था कि वह कांग्रेस को समर्थन देंगे। उन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन में है, इसलिए हम अपनी पार्टी के विधायक को कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने का निर्देश देंगे, लेकिन अंत में एनसीपी ने कांग्रेस को झटका दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।